तो समझिए, या वीवीए के बारे में पहले फंडामेंटल समझिए। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। ओके ये VV6 नहीं है, VV.NET नहीं है, VV स्टूडियो नहीं, क्योंकि इनकी मदद से आप एक नई सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं। बट VVA की मदद से आप एक्सेल के अंदर में नए टूल्स डेवलप करते हैं, जो एक पर्टिकुलर फाइल के लिए होता है या एक एप्लीकेशन के लिए होता है। तो किस तरह के टूल्स जनरेट करेंगे? तीन टाइप की चीजें हम जनरेट करते हैं। पहला मैक्रोज, फंक्शंस, यूजर फॉर्म। अब मैक्रोज जो हमारा होता है, अब एक बार मैक्रोज को समझते हैं कि मैक्रोज क्या होता है। अभी कुछ लोगों के पीछे कंफ्यूजन होता है, जो मैक्रो है ना, जो रिकॉल मैक्रो है, दैट कॉल्ड मैक्रो, और जो कोडिंग करते हैं उसको वीवीए करते हैं। दोनों में आप एक बार प्रॉब्लम, दोनों की प्रॉब्लम को एक बार सही से समझिए। अभी क्या है कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड एक फीचर है जो आपके आपकी माउस और माउस इवेंट को आपका जो है कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है सर। माउस इवेंट को कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे क्लिक किया, कहीं पे कुछ किया, तो उस कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? माइक्रोज। और जो कोडिंग करते हैं तो भी माइक्रोज में होता है। दोनों केसेस में हम वीवीए प्रोग्रामिंग को ही यूज करते हैं। तो रिकॉर्डिंग जो है एक डिफॉल्ट फीचर है जो कि आपके जगह पे कोडिंग कर देता है। अब क्वेश्चन आता है, जब मेरे पास रिकॉर्ड माइक्रो है जो कि मेरे जगह पे कोडिंग कर देता है, तो फिर खामखा हम कोडिंग सीखे क्यों? देखिए, जो कोडिंग माइक्रोस करता है वो कुछ लिमिटेड होता है, जैसे कि वो रिपीटेड जॉब को नहीं करता है, ठीक है। लिमिटेड फीचर जो है उसको नहीं करता है, और जैसे कि आपका रिपीटेशंस है, जैसे कनेक्टिविटीज है, लूपिंग है, ये सब चीजें नहीं कर सकता। तो बहुत ही इसका कम उपयोग होता है रिकॉर्डिंग मैक्रो का। तो हमें वीवीए प्रोग्रामिंग आती है, तो हम अपने हिसाब से जो मर्जी है उस तरह से कोड कर सकते हैं। जैसे सेम टेक्स्ट टू स्पीच आप यूज करते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि आपका 100% प्रोनाउंसिएशन करता ओके हो। उसी तरह से माइक्रोस का भी काम है, वो 100% आपको रिटर्न नहीं देता है। इसलिए आपको जो है वीवीए कोडिंग सीखना ही पड़ेगा, तभी आपका काम ऑटोमेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो माइक्रोस ओके करता है क्या है? माइक्रोस का काम है ऑटोमेशन, किसी भी चीज को ऑटोमेट करना। जैसे कि आपके पास एक फाइल है जिसमें 500 शीट्स है, या एक फोल्डर है जहां पे आपके 2000 फाइल्स है, सबका डेटा मुझे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। या फिर मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा पे मैं 10 रिपोर्ट बनाता हूँ और मैं उसको 50 लोगों को मेल करता हूँ। तो जो रिपोर्ट ओके बनाने का प्रोसीजर है उसको आपने लाइन बाय लाइन कोड कर दिया। कोड करने के बाद एक बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही क्या करेगा, 10 रिपोर्ट बन जाएगा, 50 लोगों के साथ मेल चला जाएगा। अब कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिएगा 100% ऑटोमेशन शायद किसी किसी फाइल में होती है, सब फाइलों में नहीं होती है। क्योंकि ऑटोमेशन के लिए चाहिए कंडीशन। जैसे एग्जांपल में मेरे पास मैंने नाम लिखा सुजीत कुमार, अब मुझे इसमें सुजीत को अलग करना है, कुमार को अलग करना है, तो हम स्पेस के बिहाफ से लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई सेपरेटर ही ना हो, मैं बोलूँ कि लेफ्ट हटाओ राइट हटाओ, तो यहाँ पे आपका एक्सेल फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशंस नहीं, सॉरी कंडीशंस ओके नहीं है कि किस कंडीशंस पे हमारा फॉर्मूला या हमारा फीचर ट्रिगर करेगा। तो नो कंडीशंस नो ऑटोमेशन, सिंपल सी बात है, नो कंडीशन नो ऑटोमेशन, ठीक है। तो माइक्रोज भी उसी तौर पे वर्क करता है। फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन आपके फॉर्मूला का वर्क करता है। जैसे कि आपके पास भी लुकअप पिछलुपे जैसे फॉर्मूले हैं, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर ऑलरेडी मेरे पास एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूला है, तो फिर मैं एक नई फॉर्मूला क्यों करूं? देखिए, नई फॉर्मूला हम अपने च्वाइसेस से, अपने हिसाब से बनाते हैं, ताकि आपको अपने हिसाब से रिजल्ट मिल सके। जैसे कि वी लुकअप को ही देखें, इसमें रिपीटेड लुकअप नहीं होता है, मल्टी शीट लुकअप नहीं करता है, मल्टी कंडीशंस नहीं लेता है। तो आप अपने हिसाब से एक वी लुकअप बना लें जहां पे सारी चीजें करता हो, और उसका यूज कर लें, ठीक है। यूजर फॉर्म का यूज होता है हमारा इंटरफेस के लिए। जैसे आप माइक्रो पे क्लिक करते हैं, पॉपअप आता है ना, इतने सारे बटन्स हैं, जिस पे क्लिक कर दो उस हिसाब से आपका परफॉर्म करता है।
मान लीजिए आपको ऐसा ही पॉपअप बनाना है जहां पे हम सेलेक्ट करेंगे और जो बटन पे क्लिक करेंगे उसी हिसाब से मेरा माइक्रो वर्क करें, उस केस में यूजर फॉर्म बनाते हैं, इसको इंटरफेस कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि माइक्रो का इस्तेमाल कब करते हैं। माइक्रो का इस्तेमाल बेसिकली हम दो चीजों के लिए करते हैं, पहला रिपीटेड जॉब, दूसरा लेंथी वर्क। ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा या ऐसा काम जो लेंथी है। ओके, दूसरा किसके लिए करते हैं। देखिए मैं दो चीजें बोलता हूँ कि अगर आप किसी और के लिए माइक्रो का काम करते हैं, माइक्रो फाइल यूज करते हैं, तो आप माइक्रो अवॉइड कीजिए। जैसे मान लीजिए एक फाइल बनाया जिसपे 50 लोगों को मेल करना है, तो अब मैं बोलूंगा कि इस पे माइक्रो यूज ना करें। क्यों? क्योंकि हर किसी के जो माइक्रो सिक्योरिटी होता है वो डिसेबल होता है, डिसेबल विद नोटिफिकेशन। तो जैसे फाइल ओपन करते ही माइक्रो सिक्योरिटी दिखाता है। अब कुछ लोग माइक्रो पैनलर है, जानते हैं कि भाई एक सिक्योरिटी है उसको एनेबल कर देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते, बोले यार ये तो वायरस आ गया, रा, 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 रा। तो आपको फोन करेंगे, यार योर फाइल इज नॉट वर्किंग, आई थिंक योर फाइल इज करप्टेड, या और इस तरह के कुछ इंग्लिश में आपको मैसेज देंगे। फिर आप उनको समझाइएगा कि भैया ये जो मैसेज आप दे रहे हैं माइक्रो अनेबल कीजिए, आपका माइक्रो चल जाएगा। तो 50 लोगों में से अगर मान लीजिए 20 लोग भी अगर माइक्रो नहीं जानते हैं, तो 20 लोगों को बताना थोड़ा सा टिपिकल जॉब नहीं हो जाएगा सर, इसे अवॉइड करें। दूसरा कारण और भी होता है, जैसे कि अगर आप भेजते हैं फाइल वो मोबाइल पे या वेब एप्लीकेशन पे देखते हैं, एंड्रॉइड पे देखते हैं या फिर टैब वगैरह पे देखते हैं, तो आपका माइक्रो फीचर वर्क नहीं करता है, क्योंकि माइक्रो का फीचर सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पे ही वर्क करता है। ठीक है सर। अब इस कोर्स जो है हमारा जो है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, क्लासेस 45 मिनट के आसपास होगा। अब कभी आधा घंटा भी हो सकता है, कभी एक घंटा भी हो सकता है, और डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्टाइल पे कि आप कितना सीख रहे हैं, कितनी स्पीड से सीख रहे हैं। बैच में 2-3 लोग होते हैं, आपको बता दूं पहले, बहुत बड़ा बैच नहीं होता, 2-3 लोगों का बैच होता है। 2-3 लोगों का बैच होने के पीछे दो रीजन है। पहला कि हमारी क्लास एक्सपर्ट लेवल की होती है, ताकि हम आपको समझ सकें और आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएं। दूसरा, हमारे पास सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, आप जैसे लोग जो कि हमारे पास सीखने आते हैं, उनके अपने ऑफिस के क्वेश्चंस होते हैं। अब मान लीजिए मैंने 20 बच्चे का बैच बना दिया और 20 ने एक एक सवाल पूछ दिया, तो सर क्लास की क्लास ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन में हो जाएगा, तो मुझे मजबूर क्वेश्चन को पॉज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन पॉज करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्वालिटी नहीं रही। इसलिए हम 2-3 लोगों के साथ ही कराते हैं। जो लोग मुझसे पढ़ लेते हैं उनको पता होता है कि मेरे यहाँ की ट्रेनिंग जो है हर जगह पर नहीं मिलेगी। ओके, तो कोई ट्रेनर अफोर्ड ही नहीं करेगा कि 2-3 लोगों को पढ़ाए। और मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा ये पैशन है, न कि प्रोफेशन। ओके, ठीक है जी।